नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज एक विपदा आन पड़ी है, और ये विपदा और कोई नहीं, एक विशेष घड़ी है। तो ये है हमारी विपदा, एक घड़ी। दोस्तों, इस घड़ी की एक प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम तो ये कि इसके तीनों कांटे बराबर हैं, दूसरी घड़ी पर नंबर नहीं लिखे हुए हैं, और तीसरी घड़ी को थोड़ा घुमा दिया गया है, रोटेट कर दिया गया है। अब आप मुझे ये बताइए कि घड़ी में एग्जैक्ट क्या टाइम हो रहा है। आप वीडियो पॉज कर लीजिए, अपना समय लीजिए और मुझे आंसर बताइए। यदि आपको आंसर पता चल चुका है तो आइए वीडियो देखते हैं कि क्या सही समय हो रहा है घड़ी में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम इनके तीनों कांटों को, घड़ी के तीनों कांटों को नाम दे देते हैं। जैसे कि ये कांटा पहला वाला एक्स, दूसरा वाई और तीसरा जेड। दोस्तों, घड़ी को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि एक्स और वाई एग्जैक्टली किन्हीं नंबर के ऊपर पॉइंट किए हुए हैं। यदि एक्स या वाई घंटे के कांटे हो तो जेड को एग्जैक्टली किसी एक नंबर पर पॉइंट होना पड़ेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। यदि एक्स या वाई घंटे के कांटे हम लेते हैं तो जेड को एग्जैक्टली किसी एक नंबर पर पॉइंट होना पड़ेगा, जो कि नहीं हो रहा है। इसीलिए एक्स और वाई दोनों ही घंटे के कांटे नहीं हैं। तो घंटे का कांटा कौन है? यहां पर घंटे का यानी कि आवर एंड जो है वो जेड है। ठीक है, एक बात तो हमें यहाँ पे क्लियर हो चुकी है कि जेड जो है वो हमारा घंटे का कांटा है। अब हम बात करते हैं एक्स और वाई पर। ठीक है, तो हम लेते हैं केस नंबर एक। यदि हम पहले ये मान लें कि वाई मिनट का कांटा है तो एक्स सेकंड का कांटा होगा। अब यहां पर वाई एग्जैक्टली एक नंबर पर पॉइंट किए हुए हैं, इसका मतलब एक्स 12 पर होगा, क्योंकि वाई एग्जैक्टली किसी पॉइंट पर है तो एक्स जो सेकंड का काटा है वो 12 पर होगा। ठीक है, तो समय कुछ इस प्रकार होगा, एक्स 12 पर, इस तरीके से वाई और पूरी घड़ी में समय इस तरीके से आ जाएगा। अब यहां पर हम कांटा घंटे का कांटे को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि 7 बजने में कुछ मिनट बाकी है, परंतु मिनट का कांटा 2 पर है। इसका मतलब यह है कि 10 मिनट पास हो चुके हैं, जो कि संभव नहीं है। तो यहां पर केस नंबर एक रिजेक्ट हो जाता है। दोस्तों, ध्यान से सुनना, क्योंकि घंटे का कांटा जो है वो 7 बजने में कुछ मिनट बाकी है ये बता रहा है, परंतु मिनट का कांटा 2 पर है, इसका मतलब 10 मिनट हो चुके हैं। इसीलिए केस नंबर वन रिजेक्ट होता है, जो कि ये था कि वाई मिनट का कांटा है। तो अब चलते हैं दोस्तों हम केस नंबर दो पर। तो केस नंबर दो हम ले लेते हैं कि एक्स मिनट का कांटा है और वाई सेकंड का कांटा है। तो क्या ये स्थिति संभव है या नहीं, ये हम देख लेते हैं। अब एक्स मिनट का कांटा है जो एग्जैक्टली किसी एक नंबर पर पॉइंट कर रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्स एग्जैक्टली किसी एक नंबर पर पॉइंट कर रहा है, मतलब वाई को जो सेकंड का काटा है उसको पर बा उसको 12 पर होना पड़ेगा। ठीक है, तो वाई 12 पर होगा तो एक्स 10 पर हो जाएगा। इसी तरह पूरी घड़ी में यह समय हो जाएगा, है ना। अब यहां पर हम ध्यान से देखें तो घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, घड़ी में हो रहा है 4:50, यानी कि 5 में 10 मिनट कम, जो कि संभव है। इस घड़ी को ध्यान से देखने पर लग रहा है कि संभव है। तो यहां पर दोस्तों हमारा घंटे का काटा है जेड, मिनट का काटा है एक्स और सेकंड का काटा है वाई। तो हमारा सही आंसर ये है और समय हो रहा है 4:50 एग्जैक्टली। ठीक है दोस्तों, अब अगर आपका कोई अलग आंसर आ रहा है तो प्लीज कमेंट जरूर करना, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, समय के इस प्रश्न पर मैं सिर्फ 4 लाइनें कहना चाहूंगा, समय न लगाओ तय करने में आपको करना क्या है। समय न लगाओ तय करने में आपको करना क्या है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।